खबर आजमगढ़ से है, जहां बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र में इन दिनों लगातार चोरी की घटना हो रही है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। अभी दो दिन पहले ही नंदना गांव निवासी प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात जवान के घर लाखों की चोरी के मामले में पुलिस अभी सुराखी नहीं लगा पा रही थी, लेकिन चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दे दी है। थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव निवासी रिटायर्ड मास्टर जियालाल गौतम के घर बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के अंदर घुसकर लाखों के गहने और नकदी उठा ले गए और परिजनों को भनक तक नहीं लगी। बता दें कि जियालाल गौतम केंद्रीय विद्यालय सतना के कुछ दिन पूर्व रिटायर हुए हैं। चार पुत्रों में दो पुत्री विद्यालय में अध्यापक हैं। सबसे छोटे लड़के सत्यप्रकाश ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। चोर छत के रास्ते से अंदर आए, जिसमें घर के तीन दरवाजे खुल गए थे। चोरों ने घर के अंदर दो अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 10 लाख रुपए के गहने तथा 50,000 नकदी उठा ले गए। बता दें क्षेत्र में अज्ञात चोर पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में योद्धाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर सबसे पहले थाना क्षेत्र के भोजपुर खुर्द गाँव में हरिराम तिवारी के घर पर धावा बोला, लेकिन लोगों के जगने के कारण जब कुछ नहीं हो पाया, लाइसेंसी बंदूक से फायर करने के बाद चोर वहां से फरार हो गए और थाना क्षेत्र के हाथीपुर गांव में रिटायर मास्टर के घर पर अपना निशाना बनाया, जहां चोरों ने बड़े बड़े पत्थर लेकर घर में चोरी करने घुसे थे। चोरी करने के उपरांत अज्ञात चोरों ने पत्थर को घर में ही छोड़कर चले गए। सूचना पर अतरौलिया थाना क्षेत्र के उपनिरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से जानकारी हासिल की। हालांकि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से अब लोगों के अंदर भय व्याप्त है। आइए सुनवाते हैं कि पीड़ित सत्यप्रकाश ने क्या कुछ कहा है। सत्यप्रकाश कहाँ पर घर है? हाथीपुर में। हाथीपुर में क्या मामला हुआ आपके घर? मामला कल रात में चोरी हो गई हमारे घर में, और जो बीती रात है जी 19 तारीख की जो रात थी उसमें चोरी हो गई, और माता जी का हमारे गहना ले गए, बड़ी भाभी का ले गए, और छोटे भाई जो हमसे बड़े जो हैं उनकी गहना ले गए सब। बाकी जो नकदी उगदी जो कितने आपके यहाँ कितने गहने रहे होंगे? लगभग 10-10 लाख के। नकदी भी चोरी हुई है जी? 50,000 नकदी लगभग। ये कितने बजे घटना है? ये लगभग 1-1 बजे की है। कैसे पता चला आपने? तो पिताजी जब पेशाब करने उनको लगी तो पेशाब करने के लिए उठे, उसके बाद देखे कि दरवाजा लॉक है, तो उन्होंने भाई साहब को फोन किया तो वो आए। उसके बाद जब दरवाजा खोले फिर घर में देखा गया तो सब पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कितने कमरे का ताला तोड़ के ले गए? ताला तो मम्मी के कमरे का तोड़े, भाभी के कमरे का, अलमारी का तोड़ दिए है सर। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा आपको, मतलब किस रास्ते से चोर अंदर प्रवेश किए होंगे? अब बालकनी जो हमारी थी वही बालकनी का दरवाजा वजा खोल के वो अंदर प्रवेश किए ऊपर से, फिर नीचे आ गए और डाइनिंग टेबल पे चाबी रखी रहती तो उसी से दरवाजा खोल के फिर वो अपने बाहर निकल गए। ऐसी जानकारी कहीं से हमको मिली है, मतलब बाहरी जी जानकारी मिली है कि किसी को पकड़ा भी गया था, तो क्या इसी कोई है मामला पकड़ा गया था कोई? नहीं अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया जी, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, अभी पुलिस आई थी बस वो भी। आप लोगों ने किसी को जैसे नहीं जानकारी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं किसी को नहीं।